वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं जी और मैं बिल्कुल अभी उठा हूँ। बाहर ठंड काफ़ी शदीद है जी, मुझे तो इनफैक्ट बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि सनराइज़ मैंने कैप्चर करना था सो इसलिए उठना तो था ही। और ठंड लग रही है जी काफ़ी शदीद और ये हालत है जी, पतली हुई है काफ़ी। अभी ये सामने हमारे झील है जी, आए चलते हैं देखते हैं कि वो बर्ड कहाँ पे हैं जी, जिनको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। मेरी जैकेट जो है वो खुली हुई है, अच्छी जगह है। रात को मैं आपको इसकी लाइटिंग दिखा रहा था, ये वो पोल्स हैं जी जिसकी लाइटिंग थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है, लेकिन क्योंकि हमारी आवाम ना सफाई रखती है ना हमारी आवाम इस काबिल है कि इनको कोई जगह साफ़ मिल सके, सो सफाई वाला तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए सफाई बिल्कुल नहीं है जी। और अभी तक मुझे कोई परिंदे नज़र नहीं आए जी कि मैं आपको दिखा सकूं, परिंदे इनफैक्ट शायद हैं भी नहीं, कुछ ये लोकल बर्ड ही हैं एक दो लंबे, सिर्फ वो एक बर्ड मुझे नज़र आया जी लंबा क्या क्या करता, वो भी शायद उस साइड पे चला गया। तो ये सारा इसका व्यू है जी झील का। चलें जी नज़दीक चलते हैं और झील को नज़दीक से भी जाके देखते हैं। एक बर्ड उड़ गया जी, फ्लमिंगो इसको कहते हैं, फ्लमिंगो जो बर्ड है वो उड़ गया, एक ही था, उड़ के शायद उस साइड पे चला गया। और वो भी कह रहा होगा सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया। नाज़रीन सूरज निकल आया जी और हमें उसकी पहली किरण जो है वो नज़र आ रही है, आप भी देख सकते हैं सूरज को बड़ा क्लियरली विजिबल, ये सूरज है जी और ये इसका समा है झील का पहला। बर्ड तो जो कि एक ही आधा नज़र आया था वो भी उड़ गया है फ्लमिंगो। सो अभी हम लोग अकेले हैं जी झील पे, वो एक बर्ड बैठा हुआ है जी काफ़ी दूर है, मैं शायद आपको दिखा सकूं जी, नहीं थोड़ा सा शायद नेक डाई से ज़्यादा विजिबल है और मोबाइल से उस तरह विजिबल नहीं है। नहीं जी सॉरी, मोबाइल में नहीं विजिबल, वो काफ़ी दूर है और कलर जो है मोबाइल का इतना जूम नहीं है, इसलिए सॉरी कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है और पानी के ऊपर जी भाप है, शायद मैं आपको वो दिखा सकूं जी, ये देखें पानी के ऊपर भाप एक उड़ रही है जी और ये सूरज है जो निकल आया है, इसको कैप्चर करने के लिए हम लोग सुबह उठे हैं जी। थैंक यू। सो नाज़रीन अभी जैसे ही हम लोग उछाली लेक पे जाएंगे जी और उसका भी व्यू देखेंगे, तो सो टिल देन थैंक यू जी। अभी हम लोग बर्ड वॉचिंग टावर पे आए हैं जी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, ये देखें ये इसका व्यू है, अभी ये कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन इसकी है, थोड़ी सी रहती है। ये TDCP वालों ने एक अच्छा काम किया हुआ है जी, इसको बना रहे हैं। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, ये अभी हम लोग आए हैं जी रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने लगे हैं और अभी ये लोग कह रहे हैं अंडे तो नहीं है, सो अभी कोई देखते हैं जी क्या चीज़ मिलती है हमें।
यार ये किस किस्म का हुक्का है? ये हुक्का किस तरह का है यार? क्या चने वगैरह हैं कोई सालन? दाल मूंग और कोरमा। दाल मूंग ही दे दो यार। सब्जी है? कौन सी है यार? क्या अंडे? नहीं अंडे इनके पास खत्म हो गए यार। साढ़ी बारी आती हर चीज खत्म हो जाती जिथे अस जाने। की मसला यार। फाइनली रात गुजारने के बाद खबेकी लेक TDCP रिजॉर्ट में अब हम नौशहरा से उछाली की तरफ जा रहे हैं। फरमान इस टाइम फ्रूट परचेज कर रहे हैं और ये बाजार का मंजर है। ये मेन चौक से कुफरी गांव की तरफ आटी है जी, और मेन चौक जो है जो नौशहरा का मेन चौक है वहां से आपने राइट साइड पे होना होता है जी, और अभी हम लोग राइट साइड पे आट गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जी कुफरी गांव की तरफ। सो लेट्स सी जी, अभी वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद आपको गाइड करते हैं जी, और आपको चेक करवाते हैं वाटरफॉल और आपको मजीद व्यू भी दिखाएंगे। आगे जाओगे तो दरवाजा लगवाया। ठीक है, दरवाजा थोड़ा खुला है। ठीक है, सीधा मोटरसाइकिल अंदर ले आने। ठीक है, उसे जाके खुला दे उन्हें। ठीक है, तो मोटरसाइकिल खुला के सीधा जो है ना ऊपर चला जाना है, पहाड़ है, पहाड़ की तरफ। ठीक है, वो चश्मा इधर ही है? चश्मा इधर। ठीक ठीक, पहले पंजाब ने देखा या नहीं देखा? नहीं, नहीं पहली दफा है। मोटरसाइकिल उधर खड़ा करके ना सीधा ऊपर चला जाना है, उधर जाकर चश्मा देखना है। ठीक है, उधर बुजुर्गों के पाँव मुबारक भी लगे हुए पत्थरों के ऊपर। ठीक है, उनके घोड़ों के भी निशान है। अच्छा, ओके हाँ जी चाचा, वो अपनी जुबान में बताए ना, फिर आप उर्दू बोलना शुरू करें। कोई नहीं, कोई नहीं, आया जी। अच्छा, उठ गुजरा पवन लगे लगातार स्टेप बाय स्टेप, उनके घोड़े ने जो पैर है वो भी उछे लगे हुए। नहीं नहीं वो वेख सा लाजमी जुड़ सा आग छोड़िया बड़े इससे पहले मेहरबानी अंकल जी। चंद मिनट पहले लाहौर वाले बंदे आए थे, वो कोस्टर सी तो नहीं थी एक? हाँ कोस्टर। हाँ वो मैं रास्ते में देखी सब जाएंगे। हाँ हाँ, वो उनको दिखाया है। अच्छा अच्छा, और मुझे बताएं जब हम वहाँ खड़ा करके मोटरसाइकिल ऊपर जाएंगे घोड़ों की तरफ या चश्मा मोटरसाइकल सामान सेफ है उधर? उधर सामान सेफ है, सेफ है, कोई नहीं उधर। चले जजाक अल्लाह। उधर जाओगे ना उधर आपको एक बंदा मिलेगा बस रस्से में, तो उसे बता दो। और दूसरी बात बताएं वो सामने उछाली झील है, वो देख वहाँ ये पानी। हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जी, ये निब शरीफ मज़ार है जी, और ये मस्जिद वगैरह बनी हुई है। अभी आगे चलते हैं जी, आपको गाइड करते हैं किस तरफ जाना है और वो आबशार टाइप जगह किस तरफ है। फिर क्या करिए, वापस आइए। यकीन करो चाचा जी, वो बड़ा औखा खोलना हो सा, बड़ा रबड़ दे रस्सियां उते कवर चढ़े होया, मैं क्या है में टाइम लग जाया हो वैसे। मोटरसाइकिल चला जासी? चलो जजाक अल्लाह, मैं ये बुक मैं एक मिनट खड़ा कर दी। वेलकम बैक व्यूअर्स, अभी आदिल गया जी बाइक खड़ा करने, क्योंकि ये लोकल चाचा से पूछा तो वो कह रहे बाइक सेफ नहीं था। अभी आदिल बाइक खड़ा करने गए हैं तो मैं अभी बैठ गया हूँ जी साए में। एक ये जगह है जी जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये वाली सारी जगह है। ये चाचा है जी जो फसलों को पानी छानी लगा रहे हैं। ये इस टोटल का व्यू है, और आदिल के आने तक हम लोग खाएंगे जी अंगूर, और अंगूर खाते हैं जी। अभी फ्रेश अंगूर लिए आज हमने यहाँ से, बड़ा मेरे का फ्रेश अंगूर है जी। एक बनाने में आके बैठ के अंगूर खा रहे हैं, तो अपने अपने नसीब की बात है जी, आपके नसीब का काम है खाना।
चलेंगे भी हम लोग बैठ के गुड़ खाते हैं थोड़ी देर। सो ये जगह है जी, अभी मेरे ख्याल से पीछे भी एक पॉन्ड है और उस जगह पे जाते हैं जी, वो जगह भी देखते हैं। ये आगे चलो, ये जगह है जी बहुत ही पहाड़ों के दरमियान, बड़ी छुपी हुई और वो जगह है जी पुरसकून किस्म की। वहाँ से चश्मा देख के वापस आ गए हूँ, अभी सोच रहे हैं अंगूर धो लिए जाए इस चश्मे पे, ग्लव्स उतार लेते हैं। इसके अंदर ही पानी डाल लेते हैं डिप करके, पहाड़ के अंदर से रिस रहा है पानी, वही जो डिप शरीफ ज़ियारत है केसर वैली के अंदर। जब भी कभी आना हो एक दफा लाजमी है, बड़ी खूबसूरत जगह है, उसके बारे में काफी मैंने तो फेमस सुना था, आज देख भी लिया। अंगूर खा रहे हैं इस टाइम फरमान, और बहुत टेस्टी अंगूर है, ऐसे अंगूर नहीं पहले कभी खाए। और चश्मे के पास बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, ठंडा पानी और ये मछलियां आप देख सकते हैं। हमें ये जगह कुछ ऐसे लग रही थी जैसे हम बलूचिस्तान के किसी जगह पे हों। अक्सर आपने मौला चुटक के नाम से एक जगह देखी होगी इंटरनेट पे, बड़ी फेमस है जो कि बलूचिस्तान में है, तो ये उसी की तरह कुछ फेमिलियर लग रही है, रिजेंबलेंस उसी से मिलती है इसकी जगह की। और चश्मे बड़े खूबसूरत, पानी का जो रिजर्वायर है बड़ा खूबसूरत, ढलान में वाटर स्ट्रीम जा रही है, तो चलें देखते हैं आगे क्या है। इसको उठाओ ना थोड़ी देर, हाँ ऐसे। तो हम भी बंक मारने लगे हैं जी, अब देखते हैं आगे क्या है। आओ आगे देखते हैं, आगे पता चले कि क्या चीज़ है। यह हम लोग एक और वैली में आ चुके हैं जी नाजरीन, और वो घोड़ों के निशान और वो पता नहीं किधर गए हैं जी, तो आपने समझ नहीं क्या है तो वो किधर गए हैं। ये एक और घाटी है, हम लोग बहुत ही सुनसान जगह पे आए हुए हैं इस टाइम। तो ये रही डिप शरीफ ज़ियारत से थोड़ा सा आगे चश्मा और वाटरफॉल स्ट्रीम जो पानी की, जिसका हमने सुना है। और यहाँ के बारे में मशहूर है, लोग कहते हैं यहाँ कोई घोड़ों के खुरों के निशान है जो कोई यहाँ पे बुजुर्ग या जो भी गुजरा, लेकिन अभी तक तो हाल नज़र नहीं आ रहे। देखते हैं ये पानी अपना रास्ता खुद बनाते हुए सदियों से बह रहा है, पहाड़ भी कट चुका है। देखें ये लोगों ने अपना गुजरगाह बनाई हुई है, यहाँ से मुकामी लोग जाते हैं। ये इसकी एक वाटरफॉल है छोटी, ये एक बैग पीछे है, ये पानी का रिजर्वायर है। और पहाड़ कोई पुराना ही लग रहा है, काफी फॉसिल टाइप है।
डिप शरीफ से वापस आ चुके हैं जी, और अगली मंजिल है अब हमारी आम शरीफ, तो चलते हैं जी अभी वो देखते हैं और वहाँ पे पहुँच के फिर आपको अपडेट करते हैं जी। ये देखें जी सैनी कौम है हमारी बहुत ज़्यादा, और ये लेके जा रहे हैं और रोक रोक ज़रा मारने लगे उसको। तू आगे देख, बहुत सैनी कौम है जी, बजाय इसके कि इसको दूसरे लोग पकड़ते, इन्होंने इसको जो है ना ट्रांसफर उसको पकड़ा हुआ, तो अपने लिए भी मसला पैदा किया और दूसरों के लिए। ये ऑफ रोड हो गए हैं जी, जस्ट टू सी द बर्ड्स, और ये आपके सामने उछाली लेक जा रहे हैं जी, बड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, और अभी आपको व्यू करवाएंगे जी बर्ड्स उस मेरे हाल से पहुँचे हुए हैं। ये कोई माइग्रेट बर्ड माइग्रेटेड है, और लेट्स सी जी आगे जाके। ये बिल्कुल रफ एंड टफ है जी रोड, बिल्कुल बाइक का हाल है, हमने साइड से रास्ता निकाला है ताकि जा रहा बिल्कुल सीधा जा रहा है, क्योंकि आगे जाके ये बर्ड्स मेरे हाल से सिर्फ इस जगह पे बैठे हैं, आगे ये बर्ड्स थे नहीं, सो इसलिए हमने यहाँ पे ही हम लोग उतर गए हैं जी ट्रैक से। और मजे की बात मुझे वही लग रहे हैं, वो हाइट वाले हैं, वही वाले हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर के क्रेन होते हैं, लेकिन हाँ ये भी देखने वाले हैं, अब ये उड़ ना जाए हमारे जाने तक, सो देखते हैं जी नाजरीन। हाँ मेरा ये ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं नहीं है, अभी नज़दीक जा के इनके फ़ोटो बनाने की कोशिश करते हैं जी, ये बर्ड्स हैं जी। तो लेक उछाली देखने के बाद और फ्लेमिंगो बर्ड्स कैप्चर करने के बाद हमने जो सोचा कि अब आगे मूव किया जाए, और चूंकि हमने काफ़ी दूर लंबी मुसाफत करके जाना है अम शरीफ, तो अब वहाँ आपसे मुलाकात होगी, उसके ट्रैक के रास्ते और जो भी तस्वीरें हैं वो अब आपको देखने को मिलेंगी, तो चलें चलते हैं अम शरीफ की तरफ। अभी हम लोग उछाली लेक देखकर जो ही जनूब की जानेब निकले हैं, तो हमें एक बाज़ार में रुकना पड़ा, जहाँ से एक रास्ता जो कि हमें पीएफ एयर बेस की तरफ ले जाता है उछाली से राइट टुवर्ड्स, और एक लेफ़्ट टुवर्ड्स अम शरीफ जाता है, जो कि टोटली 8 से 9 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो रिमोट है और ऑफ ट्रैक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, तो अभी तो मैं आपको उसकी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमने रुके थे बाज़ार में, एक ये दुकानदार थे सामने, इनकी ये बैक पे शॉप है, ये स्पेशल हमारे रिक्वेस्ट पे बाहर निकल के आए, इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर की सारी ट्रैक से रिलेटेड रूट की,
कि आपको मुकामी रास्ते में भी लोग मिल सकते हैं, आपको इजीली सारी एक्सेस जो भी टूवर्ड्स रूट की होगी वो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो चलें होपफुली अपना आगाज़ करते हैं आगे के सफ़र के लिए। रास्ते में एक ऊंट भी नजर आया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, थोड़ा जे दसो अम शरीफ जेड़ा रास्ता है ये रहा ना, इस तो ही जाना सीधा सीधा ही, ये कितना के? एक घंटा। चले मेहरबान। ये लोकल्स के मुताबिक ये कह रहे हैं कि एक घंटा लगता है इस रास्ते पे, तो लेट्स सी। आ तो गए हैं, अब देख के ही जाएंगे। अब मैं और फरमान है ये रास्ते हैं। Streifen meiner Haut so kühl, weiter und weiter, wo find ich meiner Sehnsucht Ziel? Ich schließe die Augen und mir sprießt ein Federkleid, schon spür तीन माउंटेन रिजेस क्रॉस करके अभी फिर अगेन एक पहाड़ के टॉप पे आ गए, और अभी तक स्टिल कोई आइडिया नहीं है कि उनका रास्ता कब आना है, लेकिन लोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना करीब ही हम। बहुत रिमोट है, ऑफ ट्रैक है सारा। अच्छी खासी एक मुश्किल और संगलाख पहाड़ों की रिजेस को क्रॉस करते हुए हम लोग बिलाखर एक पक्के रास्ते पर आ निकले, और ये उसी पहाड़ की जो टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप जो हम क्रॉसिंग करते आए, उसके फौरन बाद ये एक रोड आ जाती है। बेसिकली ये रोड कायदाबाद खुशाब वाली साइड से आती है, जो कि सोन वैली स्केसर को टच करती है। तो हम चूंकि ऑलरेडी उछाली में थे, और हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स अम शरीफ कायदाबाद की तरफ जा रहे थे, तो बीच में ये कनेक्टिंग लिंक रोड्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ पक्की की गई हैं। तो चलें आगे देखते हैं, होपफुली अब हम अम शरीफ के करीब ही हैं। तो लेट्स गो। Finally, we reached at the point so called Aamb Shreef. यहाँ पर वो टेम्पल्स हैं जी, ये देखें। बड़ा खूबसूरत पत्थर, और बड़ा पत्थर है जी, उन्होंने कपाल दी हुई है सेफ्टी के लिए। एक मिनट आप, मैं दिखाता हूँ। ओ वाह,
एक वो दो दो ये रास्ता जा रहा था। शरीफ में पहुंच गए। ये स्मॉल टेंपल है इसके पास, और अभी दूसरा भी मैं वीडियो में वो बैक साइड पे लेकर आऊंगा। कोई हिस्ट्री अभी तक मालूम नहीं है, कोई इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन वाकई एक आसारे कदीमा है। चलें अंदर से विजिट करते हैं। ओहो वाओ, अस्सलाम वालेकुम यार। इस टाइम अम शरीफ उछाली लेक वाली साइड से आए हैं, ऑफ रोड ट्रैक किया, उसके बाद एक ये पक्की सड़क आती है, बहुत फार अवे है। ये वो टेंपल है अम शरीफ के अंदर जो फेमस है यहाँ के, दो, एक के ऊपर मैं इस टाइम खड़ा हूँ ये, और इसके रूफ से मैंने कहा कि एक पूरा सराउंडिंग का व्यू आएगा 360, तो इस वजह से इसके ऊपर आया हूँ। काफ़ी मुश्किल सा रास्ता है और टोटली एक जो है ना बिल्कुल रिमोट एरिया है, बहुत रिमोट है। सराउंडिंग्स का व्यू अच्छा है और बहुत कदीम सदियों पुराने फॉसिल्स के स्टोन को यूज़ करके इन्होंने ये टेम्पल बनाया, और आज तक अपनी खूबसूरती और लुक में जो है ना मंजर में। स्मॉल टेंपल से होते हुए इस दूसरे टेंपल पे आ गए। ये इसकी स्टेयर्स हैं और ये रहा सेकंड वन, द बिगर वन। कैसे इन्होंने उस जमाने में लोहा भी यूज किया गार्डर, और ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल फ्रेम इसका जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा टेंपल पे वस्त है खड़ा है। ये इसके साइड पे कुछ हिस्सा इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छा इसका एक फ्रंट लुक है। ये इसके अंदर आ गया हूँ, और इसके ऊपर एक इसका ये जो छत है रूफ, इसके ऊपर भी एक पोर्शन लग रहा है, एक पत्थर टूटा हुआ, कुछ आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ऊपर रास्ता जाता कहाँ से, या शायद नहीं जाता। इसका दरवाजा, ये फरमान खड़ा है, मैंने तो ये अपनी थोड़ी कोशिश की है, यहां से आया हूं। रास्ता तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन दिखाता हूं आपको, छत थोड़ा वीक है, इसके अंदर अच्छा आयतल कुर्सी मैंने पढ़ ली है। आपको मैं थोड़ा सा आगे का मंजर दिखाता हूं। इसके अंदर ये रूम्स हैं, और ये मैं इसके ऊपर आया हूं अभी,
और जगह बड़ी पुरसरार सी लग रही है। होपफुली खुदा की कुदरत है, जगह हम तो आते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर भी कुछ स्टेयर्स का मामला लग तो रहा है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, चूंकि जब भी आपका कभी यहाँ पर विजिट हो, इस टेंपल के अंदर कोई ऐसा स्टेयर्स वगैरह जो है वो नहीं जाती ऊपर अपर पोर्शन पे। इसके अंदर 3 पोर्शंस हैं, टॉम सा है पूरा ये, और जो के स्टेयर्स नीचे से ऑलरेडी जाती थी वो इन लोगों ने या गवर्नमेंट ने वो क्लोज्ड की हुई हैं, अभी बंद है। तो मैं अपनी थोड़ी सी कोशिश के साथ साइड से पत्थरों से चढ़ के ऊपर आया, लेकिन आपको यहाँ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर मुझे वीडियो बनाने के दौरान किसी चीज़ का एहसास हुआ। यहाँ पर मैंने आयतुल कुर्सी भी पढ़ी, लेकिन फिर जब मैं अप स्टेयर्स जाता रहा तो लास्ट स्टेयर्स के ऊपर मुझे अचानक से भीड़ों ने हमला कर दिया। तो वो एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हुई मेरे लिए, वो आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी छिपकलियाँ हैं, ये इसकी टेंपल्स की। आ फरमान, मैं बताता हूं, एक मिनट। एक मिनट जिगर, यहाँ पे हालत ऐसी थी कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहाल हो चुका था। मैंने अपनी शर्ट भी झाड़ी, सब चीज़ें बराबर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी ग्लासेस जो थी आई साइड की वो यहाँ पे रह गई, जो कि हमें वापसी पे एहसास हुआ कि यार कुछ चीज़ मिसिंग है, और वो गालबन यहाँ पर ही है। सो गाइस, मैं पहले मैं उस फर्स्ट वन के टॉप पे था, इसके ऊपर तो मैं आ गया हूँ रूम्स क्रॉस करके। इशू ये है कि हालत बड़ी ख़राब है, फेस के ऊपर मुझे ना भीड़ काट गई है, लेफ्ट साइड पे बड़ा पेन हो रहा है। हाय 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 हाय, बड़ी ज़ोर से काटी है। खैर, पुट्टे कामों में तुम आ गए हैं। आ तो गया हूँ, लेकिन अंदर का नज़ारा बड़ा प्यारा था। अभी वापसी चलता हूँ इंशाल्लाह खैर से। प्रॉपरली खड़े हैं, ये भी शायद कोई टेंपल था जी यहाँ पर, जो अभी गिर गया, क्योंकि अभी तो बिल्कुल उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि फाउंडेशन बिल्कुल ऐसी है, तो उसे मालूम ये पड़ता है जी कि बिल्कुल यहाँ पे भी कोई टेंपल था। आई डोंट नो क्या वजह जी, यहाँ पर ये साइडों पे एक्सकवेशन की हुई है और ये काफ़ी पुरानी है। आई डोंट नो, शायद कोई ख़जाना, शायद सम कोई बंदा कोई कोशिश करता रहे ढूँढने की, या क्या वजह जी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये चारों साइडों पे ऐसे ही है। यहाँ शायद किसी दौर में यहाँ पे तालाब हुआ करता होगा, इसके मंदिर के चारों साइडों पे। ये इसका व्यू है जी, ये देखें, ये चलता जा रहा है पीछे की तरफ। इनफैक्ट बहुत ही प्यारी जगह, गवर्नमेंट को चाहिए था इसको प्रिजर्व करें, और जो कि नहीं किया गया। और यूँ अम शरीफ से वापसी पर हमें हमारा सामना एक स्कूल के बच्चों से हुआ, जो छुट्टी करके वापस जा रहे थे घरों को। तो हमने सोचा इनसे थोड़ा सा इनके बारे में पूछा जाए, ये कहाँ से आते हैं, स्कूल की ड्यूरेशन का ये वो। तो इन्होंने पूछने पर बताया कि ये इतना डिस्टेंस तय करते हैं। तो फरमान ने फुली डिटेल इनसे इनकी बारे में कुछ पूछताछ की स्कूल की, तो मुलाहिज़ा कीजिए। ये रास्ते में है और अभी तक अपने घर नहीं पहुंच सके, तो ये कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताओ ज़रा, क्या आप लोगों की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है? हमारे स्कूल किस जगह पे स्कूल बनाया जाए? मोड़िया वाला मोड़िया वाला में जी।
ये कह रहे हैं जी, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मोड़ियाँ वाला में हमारे लिए जो है ना वो प्राइमरी या हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी मतलब पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे लिए एक स्कूल बनाया जाए ताकि इन बच्चों की जो है ना वो दूर जाने से थोड़ा आसानी पैदा हो जाए। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जी, ये मोड़ियाँ वाला में इनके लिए कोई स्कूल जो है एज अर्ली एज पॉसिबल वो कंस्ट्रक्शन की जाए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, तो देखते हैं जी अभी। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये पानी है जो यहाँ के बच्चे पीते हैं, ठीक है, और कोई इतना साफ पानी नहीं है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास मजबूरी है पीने के लिए और कुछ नहीं है, सो हम भी ये पानी पियेंगे, होप्स हो कि बीमार ना हो जाए। सो लेट सी जी, पानी पीते हैं ये वाला और फिर मैं आपको बताऊँगा जी। सो व्यूअर्स, पानी तो ठीक है, टेस्ट वाज फाइन और कोई इतना पानी का टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं था, पानी तो ठीक है टेस्ट वाइज। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि स्टमक हमारा सेट रहे जी, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। मोबाइल की वीडियो भी अभी मोबाइल की चार्जिंग भी अभी कम है जी, और अभी आम शरीफ से हम लोग होके आ चुके हैं, अभी 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं उछाली लेक में। हमारा आज का स्टे अभी हम लोग डिसाइड करेंगे जी किस टाइम हम लोग वापस पहुंचते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसाइड करेंगे। सो नाजरीन, जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा दोबारा से। अभी हम लोग एक हाइट पे खड़े हैं जी, यहाँ से इसका व्यू है झील का और ये किसका नेक्स्ट व्यू है।